सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड गाइज, इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। गाइज, दिस स्कीम इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर एग्जाम्स बिकॉज इस साल इस स्कीम के अंदर कुछ अपडेट्स की गई हैं। देर वर सम अपडेट्स इन दिस स्कीम दिस ईयर, सो लेट अस start discussing the scheme, but before we begin, do subscribe to our channel and press the bell icon, and also you can join our telegram group for daily quizzes, okay? And this is the scheme that we are going to discuss today, Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana. अब आपको यहाँ पे ये जो दो pictures हैं इसको देख के ही दो चीजें समझ में आ गई होंगी। पहली ये that this scheme is implemented by the Ministry of Finance, and other is that the implementing agency for this scheme is LIC, alright? So दो चीजें तो आपकी पहली slide से ही cover हो जाती हैं। And now let us talk about the objective of the scheme. So what is the name of the scheme? Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana. So what is the meaning of Vaya? Vaya means old age. And Vandana means is what? Prayer. Although यहाँ पे जो Vandana word है उसका कोई बहुत बड़ा significance नहीं है, but एक छोटी सी trick से हम इसको समझ सकते हैं. Okay. So Vaya मतलब क्या है? Old age. Okay. So जो old age के people हैं, उनके पास उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि जो भी उनकी सेविंग्स हैं, जो भी उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स उनको मिले, वो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करे कि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रॉपर उनको मिलता रहे. ओके, तो वो भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान से प्रे करते रहते हैं, भगवान से वंदना करते रहते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, वो नीचे ना जाए. ओके, सो हम इस तरीके से जो वंदना वर्ड है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं यहाँ पे. वैसे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. So, एक ओल्ड एज पर्सन है, लेट अस से मिस्टर एक्स, तो वो क्या कर रहे हैं? वो प्रे कर रहे हैं भगवान से कि भगवान रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम मत होने देना. ओके, सो भगवान ने बोला कि ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हेल्पिंग यू विद दिस स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसमें गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू एन एश्योर्ड रिटर्न, ताकि तुम्हारे अंदर का जो डर है ऑफ द फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट वो खत्म हो जाए. ओके, सो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जितने भी ओल्ड एज पर्सन है जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, यानी 60 और 60 से अबव के जो भी पर्सन है, उनको अश्योर करना द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका फ्यूचर में मिलेगा उनको इन्वेस्टमेंट से, वो उनको अश्योर करना. ओके, सो आई होप द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, टू प्रोटेक्ट एल्डरली पर्सन अगेंस्ट द फ्यूचर फॉल इन देयर इंटरेस्ट इनकम. ओके, एल्डरली पर्सन को हमेशा डर लगा रहता है कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है, वो कम ना हो जाए. उस डर को खत्म करने के लिए, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉल को डर के फॉल के डर को खत्म करने के लिए दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना. ओके, सो आई होप गाइस द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर एंड द मिनिस्ट्री. सो सिंस दिस स्कीम इज टॉकिंग अबाउट द पेंशनरी बेनिफिट्स, सो द मिनिस्ट्री मस्ट बी व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके, and which is headed by Nirmala Sitharaman. And why Ministry of Finance? Ministry of Finance ही क्यों होना चाहिए? Social Justice and Empowerment क्यों नहीं होगा? Because guys, Social Justice and Empowerment जो होता है वो generally जो differently abled लोग होते हैं या फिर जो underprivileged sections of the society है उनको cater करता है. But here यहाँ पे हम underprivileged sections की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक normal old age person की बात कर रहे हैं जो कि retire हो चुका है, जिसके पास कुछ पैसा है, उसको वो invest करना चाहता है. Okay, so the scheme must be implemented by the Ministry of Finance. All right. And the age criteria must be 60 years and above, since we are talking about the pensionary benefits, the retirement, after retirement, jo bhi pensionary benefits hote hain. Okay. So these are the things that you can remember easily, guys. Now let's come back to the things that you have to remember. Aur ye jo cheeze hain, ye bhi koi zyada mushkil nahi hai yaad karna. This scheme is very easy. It is true that ki yahan pe things to remember zyada hongi, but yes guys, wo bhi things to remember jo hai wo itni zyada tough nahi hai. That are very easy. Okay, तो अगर आप इस session को ध्यान से सुन लेंगे, then you will be able to recall each and everything. So the tenure, guys, of this policy is set at 10 years. यानी कि ये जो policy जो भी person खरीदेगा उसको उसको return कितने साल तक मिलेंगे? 10 साल तक मिलेंगे. Implementing agency, as I already told you, is Life Insurance Corporation of India, which is chaired by Mr. M.R. Kumar. Okay. एंड इफ यू टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ पेंशन पेमेंट, तो इसमें जो पेंशन है वो मंथली भी ली जा सकती है, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली भी और एनुअली भी. तो चारों तरीके हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली. तो ये भी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मोड ऑफ पेंशन पेमेंट जो है वो चार ही तरीके की हो सकती है. या तो पर्सन मंथली लेगा, या क्वार्टरली लेगा, या हाफ ईयरली लेगा, या एनुअली लेगा, बिकॉज यही चार पॉसिबिलिटीज हैं और चारों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है. किसी भी पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल करके the person can get the pensionary benefits.
एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्री मेच्योर विड्रॉल, मानो लेट अस से कि कोई एक पर्सन है जिसने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए इन द स्कीम। बेसिकली इसमें करना क्या है कि सपोज कि मैं 60 ईयर्स का हूं और मैं रिटायर हो चुका हूं और मेरे पास कुछ पैसा है, ओके, तो वो जो पैसा है मैं क्या करूंगा, LIC को दे दूंगा, LIC की इस पॉलिसी में, इस स्कीम में, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में इन्वेस्ट कर दूंगा। एंड इन टर्न LIC विल प्रोवाइड मी विद द पेंशन, आइदर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, चारों ऑप्शंस है। किसी भी तरीके से वो मेरी मर्जी है कि मैं कैसे पेंशन लेना चाहता हूँ। एंड LIC को इसमें क्या फायदा होगा, LIC ऐसा क्यों करेगा, वो मेरे को एक अश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे मेरा ही पैसा वापस लौटा देगा, तो उसमें LIC का क्या फायदा होगा। सो LIC का फायदा गाइस ये होगा कि लेट अस से कि अगर मैंने उसको 10 लाख रुपए दिए, LIC को मैंने LIC को 10 लाख रुपए प्रोवाइड कराए, सो LIC इन 10 लाख रुपए का क्या करेगा, अपने बैंक अकाउंट में थोड़ी रखेगा, वो उसको जाके कहीं और किसी और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देगा, ओके, और वहां से उसको भी एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ऑलराइट, तो जो रेट ऑफ रिटर्न LIC को मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग वो फिर मेरे को देगा, ओके। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे लेट अस से कि जो LIC है उसने मार्केट में जाके इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ओके, लेकिन जो ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, PMVVY, इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा ओल्ड एज पर्सन को, दैट इज 7.4% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो यहाँ तो LIC को नुकसान हो गया 1.4% का, ओके। सो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आएगा बीच में, जब गवर्नमेंट जो ये डिफरेंस है 1.4% का जो डिफरेंस है, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके। सो क्योंकि एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, इसलिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली 7.4% के रेट से कोई भी मार्केट में LIC को रिटर्न नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा कमी मिलेगा, तो वो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्री मेच्योर विड्रॉल, सो प्री मेच्योर विड्रॉल का इज पॉसिबल है ओनली इन द केस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनल और क्रिटिकल इलनेस ऑफ द पर्सन और स्पाउस। अगर उस पर्सन को जिसने ये पॉलिसी खरीदी है उसको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है या उसके स्पाउस को जाती है, देन ओनली प्री मेच्योर विड्रॉल इज पॉसिबल, एंड इन दैट केस ओनली 90% ऑफ द परचेज प्राइस विल बी रिफंडेड। 100% रिफंड नहीं होगा, 98% जो परचेज प्राइस होगा। लेट अस से कि अगर मैंने 1 लाख रुपीज की पॉलिसी खरीदी है तो मेरे को कितना पैसा मिल जाएगा वापस, 98,000 रुपीज, ओके। और जो मेरे को पेंशन इससे पहले अगर मिला होगा तो वो मिला, वो बना रहेगा, वो मेरे से वापस नहीं लिया जाएगा, ओके। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस स्कीम इज दैट देर इज अ लोन फैसिलिटी ऑल्सो। सो टोटल टेन्योर कितने साल का है, 10 साल का है, ऑलराइट, 10 साल का टोटल टेन्योर है। तो जब 3 साल पूरे हो जाएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 पॉलिसी ईयर्स, आई कैन गेट अ लोन ऑफ 75% ऑफ द परचेज प्राइस, ठीक है। जो भी मेरा परचेज प्राइस होगा उसका 75% तक का जो भी लोन है वो मैं उठा सकता हूँ, और जो ये लोन मैं लूंगा उसको जब मुझे क्या वापस करना पड़ेगा, नहीं, जो वो लोन का जो भी अमाउंट होगा वो मेरे पेंशन से एडजस्ट होता रहेगा, ओके। एंड दीज आर सम अदर बेनिफिट्स। सो इसमें एग्जेम्पशंस है GST में, बट रिमेम्बर यहाँ पे टैक्स बेनिफिट नहीं है, इनकम टैक्स बेनिफिट यहाँ पे नहीं है। इनकम टैक्स बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ओके, वो एक दूसरी स्कीम है, बिल्कुल सिमिलर है, वो हम आखिरी में पढ़ेंगे। देन मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है, अगर पेंशनर सर्वाइव कर जाता है टिल द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 ईयर्स, देन परचेज प्राइस ऑफ द एन्युटी अलॉन्ग विद द फाइनल पेंशन इंस्टॉलमेंट उसको प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंड डेथ बेनिफिट क्या है कि अगर वो पेंशनर डाइज ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 ईयर्स, द परचेज प्राइस ऑफ द एन्युटी स्कीम विल बी रिफंडेड टू द बेनिफिशियरी। जो भी बेनिफिशियरी होगा उसको परचेज प्राइस वापस कर दिया जाएगा और जो भी पेंशन थी वो स्टॉप हो जाएगी, ओके। रिमेंबर दिस कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जो स्पाउस है उसको पेंशन मिलने लग जाएगी, ऐसे कई स्कीम्स है जिसमें स्पाउस को पेंशन मिलने लग जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो भी परचेज प्राइस होगा दैट विल बी रिफंडेड टू द बेनिफिशियरी, ओके। एंड वॉट आर द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन फॉर 2020-21? सो गाइज, रिसेंटली दिस स्कीम वॉज एक्सटेंडेड अप टू मार्च 2023। ये मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई थी, पहले ये मार्च 2020 तक के लिए लॉन्च की गई थी। इट वॉज लॉन्च अप टू मार्च 2020, बट रिसेंटली इन दिस ईयर इट वॉज एक्सटेंडेड अप टू मार्च 2023, ओके। एंड इनिशियली मार्च 2020 तक इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था दैट वॉज 8%, ओके। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज प्रोवाइडेड फॉर द 10 ईयर्स। अगर मान लो कि किसी पर्सन ने 2019 में ये पॉलिसी खरीदी थी तो उस समय कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड था इसमें, 8%। तो 2019 से लेके 2029 तक जो पर्सन ने 2019 में खरीदा उसको 8% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अमाउंट जो पेंशन जो है वो मिलता रहेगा, ओके। बट
इन 2020-21 जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको कम करके गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है, 7.4% कर दिया है, इन लाइन विद द सोशल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। ओके, सो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल लायबिलिटी मैंने आपको बता दिया, इट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट रिटर्न जनरेटेड बाय द LIC एंड द गारंटेड रिटर्न ऑफ 7.40% दैट इज असाइन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। मिनिमम पेंशन इसमें है ₹1000 पर मंथ, वाइल द मैक्सिमम पेंशन इज ₹9250 पर मंथ। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, इसके अंदर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है दैट इज ₹15 लाख, 15 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें किया जा सकता है, उससे ऊपर नहीं किया जा सकता। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग दैट द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2017। ओके, एंड दिस वाज इन न्यूज बिकॉज इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2023। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद हर साल जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अनाउंस किया जाएगा बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। The finance minister will approve an annual reset rate of return at the beginning of every financial year, and this rate of interest will be in line with the SCSS yani ki senior citizen saving schemes. Okay, so guys, I hope aapko ye scheme clear hai. And there is one similar scheme which is known as I already told you, senior citizen saving scheme, but there are some differences. So what are the differences? First of all, there are no tax benefit under PMVBY, income tax benefit, although GST exemption hai yahan pe, but income tax benefit nahi hai. But under this scheme, 1.5 lakh deduction is provided under the ATC for the first year. Matlab first year ka matlab yahan pe ye hai ki jab hum invest karenge, okay, jab hum invest karenge, to usme 1.5 lakh tak ka deduction jo hai, pehle saal mein hame mil sakta hai section under ATC mein. Maturity period guys, iska kitna hai? 10 saal hai, iska kitna hai? 5+3. 5+3 का मतलब क्या है कि इसका मैच्योरिटी पीरियड ओरिजिनली कितना है 5 इयर्स का, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 इयर्स मोर। पेंशन इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, चारों मोड से, बट इसमें पेंशन जो है केवल क्वार्टरली बेसिस पे मिलेगी। लोन इसमें 3 इयर्स के बाद उठाया जा सकता है ऑफ द 75% ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द परचेज प्राइस। इसमें कोई लोन फैसिलिटी नहीं है। SCSS कैन बी अवेल्ड थ्रू आई थिंक आई हैव ओके, सो दिस शुड बी हियर। जो SCSS है दैट इज इम्प्लीमेंटेड दैट कैन बी परचेज फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस एंड बैंक्स, वाइल PMVY कैन बी परचेज थ्रू LIC। ये LIC के थ्रू होता है और ये किसके, पोस्ट ऑफिस और बैंक्स के थ्रू, राइट। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ओके, एंड गाइज दैट्स इट अबाउट द स्कीम। आई होप आपको ये स्कीम क्लियर है। सो लेट मी समराइज यू वंस अगेन। तो बेसिकली क्या है इसमें कि एक ओल्ड एज पर्सन है जिसके पास मान लेते हैं 10 लाख रुपए है। अब वो 10 लाख रुपए का क्या करेगा, उसको इस बात का डर है कि इन फ्यूचर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएंगे, तो मेरे 10 लाख रुपए जो है इन 10 लाख पे जो मेरा रेट ऑफ रिटर्न था वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी रोल में आती है, वो ये कहती है कि कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस पैसे को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में इन्वेस्ट कर दो LIC के पास जाके 10 साल के लिए, और उसके बदले में आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो भी आपका रिटर्न होगा वो मिलता रहेगा, और उसी रेट वो रेट ऑफ रिटर्न चाहे कोई भी मार्केट कंडीशंस होगी वो कम नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ द स्कीम। मिनिमम पेंशन इसमें 1000 रुपीज है, मैक्सिमम है 9250, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड इज ₹15 लाख, एंड इसको LIC द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, so this is the summary of the scheme. Now let's talk about the question. So ek passage aapko given hai, you have to read the passage and then give the answer. For senior citizens looking for regular income, safety and reasonable returns, there is now a fresh chance to invest in the Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana. Why fresh chance? Because it has been extended till 2023. So it has been launched with modified rate of pension for citizen aged 60 years and above. The scheme was to be discontinued in March this year, but has just been extended to dash. So the question is, what will fill the gap A in the passage? So guys, it has been extended to March 2023. So option A will be the correct answer here. Okay, I hope this question is clear. And question number 2, which of the following is not correct about the rate of interest provided in this scheme? So earlier the rate of interest was used to be 8%. Pehle kitna tha? 8% tha. Now it for the financial year 2020-21, it is 7.4%. So initially, an assured rate of return of 7.4% per annum, this will be correct. Earlier, the rate of interest was fixed at 7%. No, it was at 8%. So guys, this statement is incorrect. Option B will be the
करेक्ट आंसर, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इन द रिवाइज स्कीम मिनिमम पेंशन इज ₹1000 व्हाइल द मैक्सिमम इज 9250। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड थ्रू LIC। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्रीमैच्योर विड्रॉल इज परमिटेड ओनली फॉर द इलनेस रीजन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड 98% तक वापस मिलेगा। इट वॉज लॉन्च इन 2018 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नो, एज आई टोल्ड यू, दिस वॉज लॉन्च इन 2017। सो ओनली 4 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच परसेंट ऑफ द परचेज प्राइस कैन बी ग्रांटेड एज अ लोन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 पॉलिसी ईयर्स। सो द लोन दैट कैन बी ग्रांटेड इज 75% ऑफ द परचेज प्राइस। ओके, and guys, that's it for the session. I hope you like it. For more updates, do subscribe to our channel and press the bell icon. और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी NABARD mains का exam हुआ था, उसमें हमारी government scheme की जो series है on the paid enrollment courses, उसने काफी ज़्यादा अच्छा perform किया है. Most of the schemes were covered, like प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, day NRLM, इस काफी सारी schemes थी जो that we have provided in the paid courses. So to join the paid courses, you can visit our website www.anujjindal.in. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नई स्कीम के साथ। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।